हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज का पार्ट 5 है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ डायनेमो इज टू कन्वर्ट। डायनेमो का क्या फंक्शन होता है, वो क्या कन्वर्ट करता है? तो हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है इनमें से। हमारे ऑप्शंस हैं राइस, वीट एंड पल्सेस। इसका करेक्ट आंसर है पल्सेस। जो हमारी दालें होती हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन का, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। हमारे ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन एंड मिथेन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और उसका परसेंटेज है 78%। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मानसून है वो कहाँ से जो है डिराइव किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं अरेबिक वर्ड, लेटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अरेबिक वर्ड। मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोग्राफी जो है वो किसकी स्टडी है। हमारे ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन, फ्रूट्स एंड पोलन ग्रेन्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी को जो है वो डेमोग्राफी बोला जाता है। अगर आप फ्रूट्स की स्टडी को देखें तो उसे पोमोलॉजी बोला जाता है, और पोलन ग्रेन की स्टडीज को जो है पेलिनोलॉजी बोला जाता है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो किस कंट्री के बीच में जो है बाउंड्री को डिमार्केट करती है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। अगर आप इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन को देखें तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन, और इंडिया एंड नेपाल के बीच की लाइन को हम बोलते हैं रेडोलिफ लाइन। हमारा एट्थ क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं सिस्मोग्राफ, ईसीजी एंड एनीमोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है उसे यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप ईसीजी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये हार्ट बीट के लिए यूज किया जाता है उसको मेजर करने के लिए। और एनीमोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप विंड की जो है वो स्पीड को मेजर कर सकते हैं। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सट्रीम हैवी एंड सडन डाउनपोर ऑफ रेन, ड्राउट एंड नो रेनफॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज एक्सट्रीम हैवी एंड सडन डाउनपोर ऑफ रेन। जब क्लाउड बर्स्ट होता है यानी कि जब बादल फटता है तो उस टाइम जो है बहुत ज्यादा रेन होती है और एकदम से जो है वो बारिश होना शुरू होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओएसिस का मतलब क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए फर्टाइल प्लेस इन द मिडस्ट ऑफ डेजर्ट हैविंग वाटर एंड वेजिटेशन, यानी कि डेजर्ट में एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको पानी और वेजिटेशन मिलेगा, जहाँ पे आप जो है वो वेजिटेशन मतलब चीजों को उगा सकते हैं। सेकंड इज इनफर्टाइल डेजर्ट एरिया, डेजर्ट का ऐसा एरिया जहाँ पे आप कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं। एंड सी इज टाइप ऑफ सॉइल, ये एक प्रकार की सॉइल है। इसका करेक्ट आंसर है ए अ फर्टाइल प्लेस, यानी कि ऐसा प्लेस डेजर्ट के बीच में जहाँ पे जो है आप खेती कर सकते हैं, आपको पानी अवेलेबल होता है। हमारा टेंथ क्वेश्चन है कि जो इंदस रिवर है वो कहाँ से अराइज होती है। हमारे ऑप्शंस हैं अमरकंटक, गंगोत्री एंड माउंट कैलाश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माउंटेन कैलाश। इंदस रिवर जो है वो माउंटेन कैलाश के पास एक मानसरोवर लेक है, वहां से निकलती है। अगर आप अमरकंटक की बात करें तो इस प्लेस से जो है वो नर्मदा रिवर निकलती है और गंगोत्री से गंगा रिवर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेली नेशनल पार्क जो है उसे अब क्या बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड कान्हा नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आप देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, और उस टाइम इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो बंगाल टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और इसका नाम जो है वो एक नेचुरलिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्लू क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं कोन शेप हट मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, एक ऐसा हट जो कि आइस से बना होता है। सेकंड ऑप्शन इज हट मेड अप ऑफ वुड, एक ऐसा हट जो कि लकड़ी से बना है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है ग्लेशियर केव।
ऐसी केव जो ग्लेशियर से बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि कोन शेप हट मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, एक ऐसा हट जिसको आइस के द्वारा बनाया जाता है। और ये वो लोग बनाते हैं जो कि बर्फ में काम करते हैं या बर्फ में ट्रेवल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जो रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। हमारे ऑप्शन है केरला, गोवा एंड तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला। केरला जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में रबर का। हमारा 14th क्वेश्चन है कि इंडिया का इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है इंडिया के वो ये है। हमारा 15th क्वेश्चन है कि राजा संसार चंद जो थे वो किस स्टेट के किंग थे। हमारे ऑप्शन है मंडी, कांगड़ा एंड ऊना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कांगड़ा। राजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे और ये कटोच डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हमारा 16th क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं मोनाको, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोनाको। मोनाको जो है वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न यूरोप में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से माउंटेन्स ऐसे हैं इंडिया में जिनको मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन कहा जाता है, यानी कि सबसे पुराने माउंटेन जिनको माना जाता है। हमारे ऑप्शन है वाटरबर्ग माउंटेन्स, अरावलीज एंड धौलाधार माउंटेन्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अरावलीज। अगर आप देखें तो अरावली रेंज जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, वहां से शुरू होती है और ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाती है। अगर आप देखें तो ये दिल्ली को कवर करती है, फिर पास होती है साउथ हरियाणा और राजस्थान से और गुजरात में ये एंड होती है। अगर आप देखें तो अरावली वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड है अरा एंड वली, जिसका मतलब है लाइन ऑफ पीक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डियोगा गार्शिया जो है वो एक आइलैंड है, वो कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन। ये जो आइलैंड है ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड सॉयल जो है वो मेनली कहाँ पाई जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बी ऑप्शन है हिमाचल एंड हरियाणा एंड सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड बिहार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। रेड सॉयल जो है यहाँ पाई जाती है। अगर हम रेड सॉयल के बारे में देखें तो रेड सॉयल जो है उसमें क्ले की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है और ये बहुत सारी क्रॉप्स के लिए जो है वो अच्छी होती है, जैसे कि कॉटन, पोटैटोज, मिलेट्स, पल्सेस एटसेट्रा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो इंडिया में कौन से महीने में आता है। हमारे ऑप्शंस हैं जून एंड सितंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जून एंड सितंबर। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो इंडिया में जून एंड सितंबर में आता है और इस टाइम जो है इंडिया का सबसे प्रिंसिपल रेनी सीजन जो है वो होता है, मतलब इस पीरियड में जो है इंडिया में बहुत बारिश होती है। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।